Now let's start our first video, which is a poem, a photograph, and it's written by Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was when the two girls' cousin went paddling. Actually, ये poem start करने से पहले मैं थोड़ी बहुत आपको ये poem की summary समझा देती हूँ कि इसमें क्या है. यहाँ पे ये जो राइटर है, जो शर्ली टॉलसन है, उन्होंने अपनी एक अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंस जो है अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंस हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. उन्होंने बोला है कि ऐसा जस्ट वो कुछ चीजें देख रही थी, तो उन कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ चीजों को लगाने वाला बोर्ड या लिखने वाला बोर्ड, ठीक है. या लेकिन यहाँ पे जो है कार्डबोर्ड का मतलब है एक फोटोग्राफ. उनको एक फोटोग्राफ जैसा कुछ मिलता है जब अपनी वो मदर की सारी चीजें देख रही होती है, तो वो जो फोटोग्राफ है वो देखती है और कुछ यादों में खो जाती है. और वो फोटोग्राफ किसका है, मतलब उनकी मदर और उनकी आंटी, जब वो लोग छोटे छोटे थे और जब वो दरिया किनारे कोई पिकनिक, वनडे पिकनिक या कोई घूमने के लिए गए होंगे, वहां की कुछ पुरानी यादें हैं, कोई फोटो है जिसको देख के वो अपनी मम्मी को याद करती है. क्यों? क्योंकि आज वो उनकी जो मम्मी है वो उनके बीच नहीं है. इसके लिए द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग. पैडलिंग मतलब वो जब दरिया किनारे जब जाते हैं घूमने के लिए, पैडलिंग के लिए. तो फोटोग्राफ में दिखती है कि यहाँ पे जो दो कजिन्स हैं उनके साथ उनकी मम्मी है जो पैडलिंग के लिए गए हुए थे. Each one holding one my mother's hand and she, the big girl, some 12 years or so. और जो उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ, उनकी मम्मी और जो उनकी आंटी थी, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है. और उसकी मम्मी शायद उस टाइम पे रही होगी 12 साल के आसपास की. All three stood to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब एक अंकल है जिनके साथ वो गई है, उनके जो अंकल है वो क्या बोलते हैं, स्माइल, जैसे अपने फोटो खींचते हैं तो उसे चीज से ग्रीन फिर स्माइल ऐसे कहने को बोलते हैं ना, तो वो अंकल कहते चलो स्माइल. तो वो तीनों क्या करती है, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है और स्माइल करने की कोशिश करिए, मतलब स्माइल दे रही है. तो उनके जो बाल है, क्योंकि ऑब्वियसली दरिया किनारा है तो वहां पे हवा तो एकदम से ज्यादा चलने वाली है, तो उनके बाल जो उनके फेस पे आ रहे हैं, तो उनका फेस पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बाल की जो लट है उनके फेस पे आ रही है, स्टिल ऐसा लग रहा है कि नहीं वो बहुत खुश है, वो अच्छे से स्माइल कर रही है. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजियंट फिट. अब यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं दरिया किनारा जो होता है उसकी लहरें आपको पता है आती है एंड जाती है, ठीक है, आती जाती रहती है. तो ऐसे वो लोग दरिया किनारे पे खड़े हैं, उनका उनके पैर क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पैरों की मूवमेंट. ट्रांजिएंट फीट मतलब ऐसे जैसे पैर अपने हिलाते नहीं, आपको पता होगा कि अपने पानी में ऐसे वो कहते ना गुजराती में छप छप या करवा ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे पैर हिला रही है जब उसकी लहरें आ रही है जा रही है इस तरीके से. तो ट्रांजिएंट फीट मतलब लहरों के साथ अपने पैर से वो लहरों से खेल रही. और जो यहाँ पे ये जो है कि है वो चेंज लेस, जो सी है वो कुछ चेंज नहीं होने वाला, बट जो लहरें आ रही है एंड जा रही है, तो ये उसको ये मीनिंग में लिया हुआ है कि लहरें आती हैं एंड जाती है. तो लेस हो रहा है, कभी बढ़ रहा है अपनी उसकी पैरों की तरफ आ रहा है और कभी वापस जा रहा है पानी. सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली She had say and look how they dress us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ray with the labor as of loss. फिर हम सबके साथ ऐसा होता है कि अपनी पुरानी यादें हम कभी कभी एल्बम निकाल के देखते हैं, अपने फोटोज निकाल के देखते हैं, तो हमारी जो एल्बम होती है उस तो याद करके फिर मतलब ऐसे हंसते हैं, फिर या फिर हमारे डॉटर या सन जो होते हैं उनको हम सुनाते हैं कि देखो हम लोग कजिन्स यहाँ पे घूमने के लिए गए थे, यहाँ पे गए थे, ये किया था वो किया था. तो आफ्टर यहाँ पे कुछ 20-30 इयर्स के बाद फिर से उसकी जो मम्मी है वो ये फोटो को देखती है और एकदम मुस्कुराती है, मतलब उसकी पुरानी यादें जो है वो याद करती है.
और मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो ये आंटी है, ये डॉली है, ये बैटी है, तो हमने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, देखो हम लोग कितने खुश है दरिया किनारे पे, है ना। फिर अंदर एक मुस्कुराहट अच्छी सी, कैसे ना कि दिल वाली एकदम लाइट स्माइल, ऐसे नॉर्मल स्माइल करती है वो और कहती है क्या दिन थे वो, अब ऐसे दिन वापस नहीं आ सकते। और सब अब अपने भी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, जब वो 12 ईयर की थी है ना तब की ये बात है, तो अभी आफ्टर 20-30 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 32 या 42 ईयर्स के बाद, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस साइलेंसेस। अब मतलब क्या हुआ है कि एक सर्कमस्टेंस कह लो, एक कॉन्सिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, हुआ ये है कि जब आज उस उन्होंने अपनी मम्मी का फोटो लिया है, जब आज उनको मिला है, तो उनकी मम्मी को गए हुए आज 12 साल हो चुके हैं, और वो फोटो में कितने साल की है, 12 साल की। यहाँ पे सर्कमस्टेंस ले लो या कॉन्सिडेंस ले लो, कुछ भी ले लो, बट यहाँ पे ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी कि भी कुछ भी ले लो, बट मेरी मदर जो है आज उनको गए हुए टाइम हो गया, बट आज उनको 12 ईयर हो रहा है और मुझे आज ये फोटो मिली जिसमें भी वो 12 ईयर की है। बट फिर वो अपनी मम्मी को याद करती है, पूरी बहुत मोमेंट याद करती है, थोड़ा बहुत नर्वस हो जाती है ना, और फिर बोलती है अब तो मम्मी नहीं है, तो चारों तरफ मेरे सन्नाटा ही सन्नाटा, मतलब साइलेंस ही साइलेंस है। तो ये जो शॉली टॉल्सन जो राइटर है, उन्होंने ये जो पोयम है अपनी मदर को डेडिकेट की हुई है कि उनकी मदर की याद में किस तरीके से वो जो फोटोग्राफ उनको मिलती है और किस तरीके से वो उनको याद करती है।